नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज़। मैं आपके साथ अनिरुद्ध जहागीरदार। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है कि समिति द्वारा चल रही बैठक में शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूरी दे दी गई है। बैठक में एनसीपी के ज्येष्ठ नेता अजित पवार, सुप्रिया सुळे समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। बैठक में एनसीपी के ज्येष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफे पर नामंजूरी को लेकर प्रस्ताव रखा था। हाल ही में अपनी एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। बता दें कि आज सुबह 11 बजे मुंबई में चल रही बैठक में शरद पवार के इस्तीफे और नए अध्यक्ष को लेकर बैठक हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है। समिति ने बैठक के दौरान पारित किया गया प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़ के दिखाया। उसमें लिखा था कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के नेता शरद पवार, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसको सर्वानुमते यानी कि एक मत से नामंजूर किया गया है। शरद पवार साहब, आप ही इस पद पर कायम रहे, ऐसी आपसे हमारी विनती है। ऐसी विनती शरद पवार को इस प्रस्ताव में की गई है। साथ ही हम नए अध्यक्ष का चयन नहीं कर सकते क्योंकि आपको ही सब अध्यक्ष मानते हैं, ये बात भी प्रस्ताव में कही गई है। तो इस बात पर या इस प्रस्ताव को लेकर शरद पवार का क्या निर्णय होगा, ये देखने वाली बात है। तो आप देख ही सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट अभी भी कायम है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज़।